पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार की यात्रा पर निकले हैं, दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन को उनके साथी लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में चाहे महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की बातचीत करें तो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी अपने पार्टी में भी एक तरीके से कई लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपको बताया कि बिहार यात्रा पर मुकेश सहनी निकलने वाले हैं और पटना स्थित पार्टी प्रधान कार्यालय पर वीआईपी पार्टी के बिहार के सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रभारियों के साथ बैठक की तथा पार्टी के आगामी रणनीति एवं कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से संवाद किया। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 3 चरणों में होगा। सहनी ने कहा कि 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक किसी न किसी जिला में रात्रि विश्राम उनका रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वीआईपी से सभी जाति के लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी एक जाति से नहीं चलती है, पार्टी कई जातियों से चलती है। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुना देते हैं। पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रभारी है, आप सभी को स्वागत है कि आप पटना कार्यालय में आप उपस्थित हुए। विशेष तौर पर आप सभी को धन्यवाद साथी। जैसे कि आज का बुलाने का मुख्य मकसद जो है कि 1 अक्टूबर से हम पूरे बिहार के दौरे पे निकल रहे हैं। ये दौरा 3 चरण में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक पूरे बिहार में हर जिला में रात्रि विश्राम होगा और फिर उस जिला में जब जाएंगे तो उसकी तैयारी होगी और बहुत सारा चर्चा वहाँ पे हम लोग लोकल सभी नेता के साथ करेंगे। और उसके बाद 11 मार्च को पटना में आईटी सेल के द्वारा पूरे प्रदेश से युवा का कार्यक्रम रखा जाएगा। अमर शहीद जुबा सहनी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद पूरे बिहार में संगठन बूथ से लेकर जिला कमेटी का जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ हम लोग सम्मेलन करेंगे हर जिला में। और ये कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा पूरे बिहार में। फिर पटना में बापू सभागार में 25 जुलाई को हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद रथ यात्रा के माध्यम से बिहार में सभी जिला में, खास करके उस जिला में जहां हम लोग 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस जिला को, उस विधानसभा को टारगेट करते हुए रथ के माध्यम से हमारा यात्रा होगा। और उसके बाद जब आचार संहिता अगर लग गया तो यात्रा रुक जाएगा या न तो 2 अक्टूबर तक हम लोग यात्रा निरंतर जारी रहेगा। इस बार हमारा जो यात्रा तीसरी यात्रा है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये हमारा नारा है और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उस पर हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग नए सिरे से जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी का सूची जारी करेंगे। नए सिरे से पूरे पार्टी का संगठन का जो है ढांचा हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और पहले जैसा अभी पार्टी नहीं रहा, पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और पार्टी को एक जाति से नहीं चलेगा। एक जाति से आपने आंदोलन करके अपनी पहचान आपने बना लिया है, वो पहचान अभी तकरीबन आने वाला 50-100 साल तक ये वजूद आपका खोएंगे नहीं, वो आपका वजूद बना ही है और बना रहेगा। आज हम लोगों ने वो वजूद बना दिया है कि मुकेश सहनी वीआईपी को कमजोर करने के लिए भारत सरकार में जगह बनाना पड़ता है, ये हमारी पहचान बन चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।